डीजी डिस्क अवार्ड के लिए ऊना जिला के 2 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। विभाग की ओर से जारी लिस्ट में एएसपी ऊना विनोद धीमान तथा एसएचओ अंब गौरव भारद्वाज को डीजी डिस्क अवार्ड से नवाजा जाएगा। जिला में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में एएसपी एवं एसएचओ अंब को डीजी डिस्क अवार्ड के लिए चुना गया है। एएसपी विनोद धीमान ने करोड़ों के एसएमएस फ्रॉड मामले में हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एएसपी ने ऊना जिला के बहडाला मर्डर केस में भी 3 और ऊना हमीरपुर रोड में अंजोली के पास प्रवासी युवक की हत्या करने के आरोपी को यूपी में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। एएसपी विनोद धीमान ने जिला में 2 लोगों से हुए ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए गगरेट में लाखों रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी के फ्रॉड मामले में दिल्ली व नोएडा से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा ऊना के एक बैंक मैनेजर से हुए फ्रॉड केस में गुड़गांव से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। एएसपी ने जिला में खनन माफिया पर शिकंजा कसते हुए पॉकलैंड जेसीबी सहित दर्जनों ट्रक टिप्पर सीज कर लाखों का जुर्माना भी वसूला है। एएसपी विनोद धीमान ने पहली बार जिला में सट्टा माफिया पर कार्रवाई करते हुए सट्टा माफिया से लाखों की राशि के साथ उनके वाहनों को भी जब्त किया है। वहीं पुलिस थाना अम्ब में तैनात एसएचओ गौरव भारद्वाज ने अम्ब में पतेहड़, ठट्ठल और पंजुआ गांव में लाखों रुपए के आभूषण चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए जिला कांगड़ा के अलग अलग गांवों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा आरोपियों से चोरी किए हुए लगभग सोना भी पीड़ित परिवार को वापस दिलवाया था। सर, आपको डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलने जा रहा है, सर क्या कहेंगे सर आप उसके बाद? मैं पुलिस विभाग का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चयनित किया है, स्पेशली एसपी साहब दिवाकर शर्मा जी का, जिन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था। 2019 के जो बेहतरीन कार्य रहे हैं ऊना पुलिस में लास्ट ईयर के, मेरे साथ एक और इंस्पेक्टर का भी नाम इसमें नॉमिनेट हो रहा है। इसमें मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि इसमें अकेले ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बाकी मेंबर्स होते हैं, टीम काम करती है पुलिस में। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे सभी का बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ पे, और जो भी केसेस हमने सॉल्व किए हैं वो एंटायरली टीम एफर्ट्स था। सर, कितना गर्व महसूस करते हैं सर? देखिए, जब भी आपको इस तरह के अवार्ड्स के लिए नामांकित किया जाता है तो मेन मुद्दा तो ये है कि आपके जो आपने एफर्ट्स किए हैं क्राइम सॉल्व करने में या और एक्टिविटीज़ में, वो अप्रिशिएट कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट और सीनियर ऑफिसर अप्रिशिएट करते हैं, तो एक फ़ख्र की बात तो होती है। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये सारा टीम एफर्ट्स है और सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होता है।